अनिशा गुप्ता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मोतियाबिंद किस एज ग्रुप में होता है और क्या यंग एज ग्रुप में ये नॉर्मल है या इसके कोई स्पेसिफिक कॉजेस होते हैं और उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कैटरेक्ट या सफेद मोतियाबिंद एक एजिंग का प्रोसेस है और ज्यादातर देखा गया है कि वो 50 के ऊपर की उम्र में ही आता है, बट इट कैन हैपन एज अर्ली एज 40 ईयर्स ऑफ एज। 40 साल से ऊपर आजकल बहुत कॉमनली हम पेशेंट्स देख रहे हैं, लेकिन 40 साल से कम की उम्र में भी सफेद मोतियाबिंद हो सकता है। ऑल्दो उसको हम सेनाइल कैटरेक्ट नहीं बोलते हैं, एज रिलेटेड कैटरेक्ट नहीं बोलते हैं, उसको प्री सेनाइल कैटरेक्ट कहते हैं। और उसमें हमें ढूंढने पड़ते हैं कारण कि ऐसा क्यों हुआ कि पेशेंट को 40 की उम्र से कम में ही सफेद मोतियाबिंद बन गया। तो आइए जाने क्या क्या कारण हो सकते हैं छोटी उम्र में, 40 से कम की उम्र में सफेद मोतियाबिंद बनने। सबसे कॉमन जो कारण है वो है स्टेरॉइड इनटेक। अगर किसी भी वजह से आपको खाने के स्टेरॉइड लंबे समय तक चले हैं तो आपको सफेद मोतियाबिंद जल्दी बन सकता है। दूसरा कॉमन कारण है डायबिटीज। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में भी मोतियाबिंद जल्दी आ जाता है, छोटी उम्र में आ जाता है। तीसरा कारण है चोट या ट्रॉमा। आंख पे अगर सीधी चोट लग रही है तो उस आंख में मोतियाबिंद जल्दी बनने का रिस्क है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है आंख में सूजन बनना। आंख में यूवियाइटिस या जब सूजन हो रही होती है रिपीटेडली तो उन केसेस में सफेद मोतियाबिंद जल्दी बनता है। इसके अलावा देखा गया है कि सफेद मोतियाबिंद आउटडोर जिनका काम ज्यादा रहता है, धूप का एक्सपोजर ज्यादा रहता है, उनमें ज्यादा बनता है। एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स, खासकर बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें उन डिजीज की वजह से भी मोतियाबिंद बनता है और इन डिजीज की ट्रीटमेंट क्योंकि स्टेरॉइड से होती है उनमें भी मोतियाबिंद बनता है। इस वजह से ऐसे पेशेंट्स में भी देखा गया है कि सफेद मोतियाबिंद जल्दी बन जाता है। प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, धूप में अपना एक्सपोजर कंट्रोल रखें, बाहर निकले तो यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने, शुगर को कंट्रोल में रखें। अगर किसी भी डिजीज की वजह से आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं तो उसको आपके डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें कि इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है और क्या है और उसको कितना जरूरी है हमें उस पर कंटिन्यू करें। सो इवन इफ यू आर यंग, इवन इफ यू आर लेस देन 40 और आपको आंख में धुंधलापन, गाड़ी चलाते समय सामने ग्लेयर महसूस हो रहा है या आपको पास का पढ़ने में दिक्कत हो रही है, धूप में देखने में दिक्कत हो रही है, उसको इग्नोर नहीं करें और डॉक्टर से जरूर मिलें क्योंकि हो सकता है सफेद मोतियाबिंद की शुरुआत हो रही है।